आप सब लोगों से कहना चाहते हैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऐसा जसवंत नगर से ऐसा इंजेक्शन लगाना सो इनकी चीख दिल्ली तक पहुंचे, ऐसा इंजेक्शन लगाना है। लोकसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान हो जाने के बाद अब सियासी दल तीसरे चरण के चुनावी प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं और ऐसे में यूपी के सियासी दलों ने कमर कस ली है। इस बीच बुधवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव और सपा महासचिव शिवपाल यादव जसवंत नगर में डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। तीसरे चरण में मतदान होना है, इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा पर यहां जमकर हमला बोला। ये चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घटिया पार्टी है और बहुत ही घटिया स्तर पर उतर के आ गई है। आपने देखा है कि झूठ भी बोलती है और झूठ के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश की जनता को भ्रमित भी करती है और ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, जनता उससे परेशानी हुई है। यहाँ आपको बता दें कि शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं। जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है और ऐसे में शिवपाल यादव जब डिंपल यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने यहाँ की जनता से बीजेपी को लेकर खास अपील कर दी। उन्होंने ऐसी बात कही जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। की बार हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऐसा जसवंत नगर से ऐसा इंजेक्शन लगाना सो इनकी चीख दिल्ली तक पहुंचे, ऐसा इंजेक्शन लगाना है। गौरतलब है कि सपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को टिकट दिया है तो वहीं बीजेपी ने इस सीट से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं यादव मतदाताओं की ज्यादा आबादी को देखते हुए बसपा ने भी यादव समुदाय के शिव प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर तीसरे चरण का 7 मई को मतदान होगा जिसका नतीजा 4 जून को आएगा।